वेलकम दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। देखो यहाँ का शूट कैंसिल कर देते और जाते। दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे खेत में। मैं एक यंग किसान हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। आया तो था फर्स्ट व्लॉग बनाने के लिए, लेकिन बहुत ही ट्रैफिक और आवाज़ है, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और आवाज़ होने के कारण यहाँ का शूट कैंसिल कर देते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और जाते हैं किसी और अच्छी से जगह और वहाँ पे करते हैं शूट। वेलकम दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और आप सभी लोग मुझे नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूं, मेरा नाम संदीप है और मैं वासिम डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है और मैं अभी अपनी खेती संभालता हूँ और मैं एक यंग किसान हूँ और अपनी ड्राई लैंड फार्मिंग करता हूँ। खेती के साथ साथ थोड़ा घूमने का भी शौक है तो मैं थोड़ा घूमता भी हूँ, थोड़ा ट्रैवल भी करता हूँ और इसमें मेरा साथ देती है मेरी बाइक, जो मेरे पास एक स्प्लेंडर बाइक है। व्लॉगिंग स्टार्ट करने का कारण यही है कि बचपन में मैं जब टीवी देखता था तो सपने देखता था कि मैं भी स्क्रीन पे दिखूं, लेकिन कुछ सोर्स नहीं था और थोड़ा सा कुछ अलग करने का भी सोचा था। पर इसी कारण सोचा था कि YouTube पे एक फैमिली बनाते हैं और उनसे बातें करते हैं, तो इस फैमिली में आप भी जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और खेती के साथ साथ व्लॉग करने का एक निर्णय मैंने ले लिया है। तो वेलकम बैक दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे खेत में और देख सकते हैं हमारा खेत। हम वैसे ड्राई फार्मिंग करते हैं, यानी कि सब हमारा खेत कुछ इरिगेटेड नहीं रहता और इस खेत में सब यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उस पर ही सब डिपेंड रहना पड़ता है। यानी कि जो नेचुरल बारिश गिरती है उस पर ही हम फसल उगाते हैं, क्योंकि पूरा एरिया यहाँ पर रिसोर्सेज वाटर के ऑलमोस्ट यहाँ की फसल कट चुकी है और कुछ भी रहा नहीं है। अभी जब तक बारिश नहीं गिरेगी तब तक ये ऐसा ही रहने वाला है। तो देख सकते हैं यार, मानसून सीज़न लगभग यहाँ पे 1 जून से चालू होता है। और गाइज मेरे पीछे आम का पेड़ है और हमने 8-10 सालों पहले ये लगाया था, लेकिन ये कोई ब्रीडिंग वाला नहीं है। ये जो नेचुरल आम थे पहले ज़माने के, वही ये पेड़ है, लेकिन खाने में बहुत स्वीट है। साल सोचने के बाद थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में था और इतना सोचने के बाद मैंने एक डिसीजन लिया कि अब व्लॉगिंग करते हैं और कुछ नया करते हैं। देरी भली ही होगी होंगी, लेकिन टाइम नहीं गया, टाइम अभी बहुत सारा है। तो इस जर्नी में मेरा मुझे ज़रूर साथ दीजिए। इसी व्लॉग को यही एंड करते हैं, पहला व्लॉग है, थोड़ा सा शॉर्ट ही रखेंगे। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आपका सपोर्ट आपका प्यार दीजिएगा।